नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बात करेंगे उर्दू टेट के अभ्यर्थियों की। आज जोरदार हंगामा किया है उर्दू टेट के अभ्यर्थियों ने। दरअसल बांग्ला और उर्दू टीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द सरकार उनके रिजल्ट को जारी करे। और यह हंगामा जो उन्होंने किया है वो हंगामा कहीं और नहीं बल्कि जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलयावी, उनके आवास के बाहर किया है, जमकर प्रदर्शन किया गया है। यहां तक कि गुलाम रसूल बलयावी की आवास के बाहर जो नेम प्लेट लगा होता है गेट पर उसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ईंट से उस नेम प्लेट को तोड़ने की कोशिश अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो नेम प्लेट को तोड़ने की ईंट से कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलयावी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते आए हैं और आज तक उस आश्वासन का कोई परिणाम नहीं दिखा और इसकी वजह से उनके भविष्य अंधकार में डूबते जा रही है। छात्रों का कहना है कि 8 साल से वो इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर सरकार क्यों कर रही है और गुस्सा उन्होंने जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलयावी पर निकाला है। गुलाम रसूल बलयावी की आवाज के बाहर उन्होंने जमकर हंगामा किया और इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझाने की पूरी कोशिश की। जब वो नेम प्लेट तोड़ रहे थे तो उस वक्त भी पुलिस ने उन्हें रोका और पुलिस के समझाने पर थोड़े से अभ्यर्थी जरूर शांत हुए, लेकिन अभ्यर्थियों का यह कहना है कि लगातार उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उन्हें झूठा आश्वासन दिया जाता है कि उनका परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आश्वासन देते देते 8 साल बीत गए, अब तक परिणाम नहीं आया और इसका ये नतीजा हुआ कि उनका भविष्य अब अंधकार की ओर बढ़ते जा रहा है। वो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी हैं बंगला उर्दू टीईटी के और ये लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनके रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 8 सालों से ये प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार इनकी बातों को, इनकी मांग को नहीं सुन रही है, ना समझने की कोशिश कर रही है। जिस रिजल्ट को प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं वो रिजल्ट निकलने की वजह से उनका जो भविष्य है, उनका जो करियर है वो सुधर जाएगा, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से छात्रों में नाराजगी है।